राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम गहलोत जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक में पीएम मोदी का बजरंग बली नहीं चला। उन्होंने कहा, भगवान को बात समझ आ गई है, ये खाली खोखली बातें करते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत राजस्थान की सांगवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा और जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी और पीएम को घेरा। अशोक गहलोत ने कहा, पीएम मोदी का बजरंग बली कर्नाटक में काम नहीं आया, भगवान ने उनकी बातें स्वीकार नहीं की। भगवान समझ गए कि पीएम मोदी खोखली बातें कर रहे हैं, वे बजरंग बली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा, चुनाव हार रहे हैं तो बजरंग बली याद आ रहे हैं, बजरंग बली भी समझदार हैं, वो समझ गए हैं। आपको बता दें, चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता को रिझाने के लिए कई बड़े वादे कर रहे हैं। इस दौरान वे खुद को बेहतर साबित करने के लिए दूसरी पार्टियां और दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच सीएम गहलोत ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कर्नाटक में बजरंग बली नारा लगा रहे थे, लेकिन भगवान ने उनकी बात को मंजूर नहीं किया और वे चुनाव हार गए। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।